नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में राजस्थान आर्मी भर्ती रैली 2020 जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या वेबसाइट की प्रोसेसिंग रहने वाली है, भर्ती की क्या क्या प्रोसेसिंग है, क्या डेट शेड्यूल लेंगे, सारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन और अलग अलग टेक्नीशियन के पदों पर सीधी भर्ती है। 8वीं 10वीं 12वीं अलग अलग योग्यताओं के लिए अलग अलग पद हैं, उसके बारे में कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके बारे में तो फुल वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पर जॉब रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप निश्चिंत ही जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों हम अगर इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं तो हम ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हम आ चुके हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो लेटेस्ट रैली का जो पोर्शन है, यहां पर जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली कोटा जो है कम्प्लीटली आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस कोटा से जो ARO कोटा है वहां पर भर्ती का नोटिफिकेशन अपलोड हो चुका है। तो इस PDF को आप यहां से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी आपको PDF है कम्प्लीटली वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे आर्मी रिक्रूटमेंट रैली की जो है यहां से कंप्लीटली इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन को हम कंप्लीटली देखते हैं और किन किन पोस्टों पे भर्ती की यहां पर बात कंप्लीटली निकलकर सामने आती है, कंप्लीटली इसको पूरा देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सेना भर्ती कार्यालय कोटा की तरफ से सेना भर्ती रैली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगर हम इस अधिसूचना की बात करते हैं दोस्तों, तो ये राजस्थान के अजमेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले के पात्र अभ्यर्थियों के लिए है। मतलब यहां पर अजमेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, इन जिलों के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस भर्ती रैली में अप्लाई कर सकते हैं। उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, बाकी जिलों के भी जैसे ही भर्ती के नोटिफिकेशन आएंगे मैं श्योर वीडियो बना के अपलोड करूंगा। प्रोसेसिंग सारी सेम रहने वाली है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, केवल जिले वाइज इसमें फॉर्म निकलते हैं और इस हिसाब से भर्ती का आयोजन करवाया जाता है। अगर हम पदों की बात करते हैं, सामान्य ड्यूटी सैनिक, जीडी टेक्निकल, सैनिक लिपिक, क्लर्क वगैरह सारे पद हैं इसमें, 10वीं 8वीं 12वीं मिलाकर टोटली। दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती कब होगी इसकी बात करते हैं, तो 17 सितंबर से 31 मार्च 2021 के बीच में भर्ती पूरी करवाई जाएगी। मतलब जो आपको फिजिकल है, रिटर्न है, मेडिकल है, सारी चीज़ें इसके बीच में कवरअप हो जाएगी। अब COVID-19 की महामारी है इसलिए इसमें कुछ फिक्स बताया नहीं जा सकता, कुछ चेंजिंग हो सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भरना जरूरी है। ऑनलाइन कैसे भरना है आपको दोस्तों, यहाँ 18 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है joinindian.army.nic.in से। आप किसी भी नज़दीकी ई मित्र सेंटर या कंप्यूटर वाले के पास या आप खुद भी अपने भर सकते हैं। इसमें केवल इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो प्रवेश पत्र है, आपको जो ईमेल आईडी आप भरते हैं वो प्रॉपर भरिएगा, आप लॉगिन हो, आपको पासवर्ड उसके याद हो, ताकि आपको जो एडमिट कार्ड है वहीं इस ईमेल आईडी पे ही मिलेगा। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है और ऑनलाइन पंजीकरण कर देना है, और ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे तभी आप भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। ऐसे डायरेक्ट वहाँ अगर रैली में जाएंगे तो वहाँ आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए 17.5 से 21 साल की उम्र है, 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगेगी, 50 किलो वजन, 77 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, 10वीं में टोटली आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और प्रत्येक विषय में 33% मार्क्स आपके कंपलसरी होने चाहिए। अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो यहाँ पर 17.5 से 23 साल है, यहाँ 2 साल की छूट मिल गई क्योंकि जीडी में आप 21 साल तक वाला ही मात्र था, और सैनिक टेक्निकल और सैनिक क्लर्क में 17.5 से 23 साल तक वाले पात्र हैं। हाइट 170 50 77 प्लस 5 इसमें फुलाव है, और क्लर्क की बात करें तो 162 50 और 77 प्लस 5 इसमें भी फुलाव है। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो अगर सैनिक क्लर्क में भरते हैं जो ओवरेज हो रहे हैं, तो 10+2 होना चाहिए आपका किसी भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी में भी हो, लेकिन आपको जो 60% अंक है उसके साथ होना चाहिए, और यह भी है प्रत्येक विषय में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कंप्लीटली, तभी आप इसमें जो सैनिक क्लर्क है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी टेक्निकल वालों को PCM के साथ आपका कंप्लीटली 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी प्रकार से अलग ट्रेड्समैन की भर्ती है, और ट्रेड्समैन में जो है यहाँ पर कंप्लीट वॉशरमैन, ड्रेसर इनके हैं, इनकी 10वीं 5 है, और आपको दक्षता इसमें जिस कार्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी दक्षता होनी चाहिए, वहाँ पर आपकी टेस्टिंग भी की जाएगी। हाउसकीपर, मेसकीपर 8वीं 5 की भर्ती है, वहाँ पर आपको 8वीं 5 होना चाहिए, और कंप्लीटली आपके जो काम आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उसमें आप दक्ष होने चाहिए। तो इस बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। आप अगर शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण की बात करते हैं तो आप 5 मिनट 30 सेकंड में अगर दौड़ पूरी करते हैं तो आपको इस हिसाब से नंबर मिलेंगे, यहाँ पे दे रखा है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में आते हैं तो आपको 60 नंबर पूरे मिल जाएंगे। पुशअप अगर आप 10 करते हैं तो आपको 40 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 9 फीट का जो डीच है वो, और जिंग जंग बैलेंस बनाना जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको आपको पास करना, सिर्फ पास करने के लिए कंपलसरी है। और बाकी अगर समो 2 में आते हो, मान लो 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में आप 1600 मीटर की दौड़ पूरी करते हो तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। और जो पुशअप है वो आप 9 लगाते हो, 33 नंबर 8 लगाते हो, 27 नंबर 60 लगाते हो, 21 नंबर 6 लगाओगे तो 16 नंबर, इस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर छूट की भी बात की गई, जो पहाड़ी एरियाज हैं, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के जो छात्र हैं उनके लिए इसमें छूट की भी बात की गई है। लिखित परीक्षा कंप्लीटली आपकी आयोजित करवाई जाएगी, उसके लिए कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके जो ईमेल है उसी पर कंप्लीटली आएगी आपको, और जो joinindianarmy.nic.in है वहीं से आपको कंप्लीटली इसमें जो है
अप्लाई करके ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। इस बारे में अगर आपकी कुछ क्यूरीज आ रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़िएगा और इस हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिली होगी। इसी प्रकार की जॉब रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे जो आपको रेड आइकन बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे जॉब रिलेटेड अपडेट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं और आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट यहाँ पे मिलती है। और हम एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर आप अपडेट कर दीजिएगा। जीडीएस से जितकर जितनी भी भर्तियाँ हैं उस रिलेटेड सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इन्फॉर्म की जाती है समय समय पर। तो दोस्तों इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, कुछ क्यूरीज है कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।